बाद शहर लगत के पिंपल गांव शिविर में ले जाके 19 वर्षीय लड़की को जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी के खिलाफ खून का प्रयास करने के जुर्म में पुलिस ने गुनाह दाखिल किया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को 19 वर्षीय लड़की को आरोपी अमन निखार उम्र 22 वर्ष निवासी ज्ञानेश्वर वार्ड का फोन आया और लड़की को मिलने बुलाया गया, लेकिन लड़की ना मिलने से इनकार कर दिया और फोन उठाना बंद कर दिया। इस कारण से आरोपी ने लड़की को सहेली के साथ कलोड़े मंगल कार्यालय में कार्यक्रम में आने पर उसे मोपेड गाड़ी पर जबरदस्ती से बिठा के बारामती सिटी टाउन पिंपड़गांव शिवार इस खाली जगह पर ले गया। वहां पर लड़के ने तू मुझसे बात क्यों नहीं करती कहकर गाड़ी की डिक्की से बोतल निकालकर जहरीली दवा जबरदस्ती पिला के जान से मारने का प्रयास किया। फिरियादी की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पर उक्त गुनाह की नोंद करके आगे की जांच पुलिस थानेदार कांचन पांडे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक पाटनक पुलिस स्टेशन हिंगनघाट कर रहे हैं। दिनांक 28/1/2023 रोजी सायंकाळी पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली होती की एक 19 वर्षीय युवती आणि एक मुलगा नामे अमन निखार दोन्ही राहणार हिंगनघाट यांनी प्रेम प्रकरणातून विष प्राशन केले आहे आणि त्यांना सरकारी दवाखाना हिंगनघाट येथे उपचारासाठी आणले असता तिथून त्यांना सेवाग्राम हॉस्पिटल येथे रेफर करण्यात आले होते। त्यावरून आम्ही PSI श्री शुक्ला यांना सेवाग्राम हॉस्पिटल येथे पाठवले आणि मुलीचे बयान नोंद केले असता तिने सांगितले की तिचे प्रेम प्रकरण होते आणि त्या दिवशी मुलाने म्हणजे अमन निखार या मुलाने तिला बारामती सिटी नावाचं एक एरिया आहे त्याच्या बाजूला नेले आणि तिथे तिला जबरदस्तीनं विष पाजलं आणि स्वतःसुद्धा विष पिला आणि त्यानंतर तब्येत खराब झाल्यामुळे ते हॉस्पिटलमध्ये गेलेले होते। दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे। त्या मुलीच्या बयानावरून पोलीस स्टेशन हिंगनघाट येथे अपराध क्रमांक 115/2023 कलम 307, 328 आणि 309 याप्रमाणे मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास पोलीस स्टेशन हिंगनघाट येथील सहायक पोलीस निरीक्षक श्री पाटणकर हे करीत आहे। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।